السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कुछ दिन पहले मैंने देखा एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है शो टाइम, जो कि डिज्नी हॉट स्टार में अवेलेबल है, स्ट्रीमिंग है. अभी ये जो वेब सीरीज़ है ये सिनेमा के बारे में है. सिनेमा का जो चलन चलता है, सिनेमा में जो दाव पेच चलते हैं, बॉलीवुड में जो हो रहा है उसका हाल आजकल, ये वगैरह वगैरह. पहले तो ऐसी कई फिल्में बनी हैं और कई वेब सीरीज़ भी बनी हैं और हमने कई सोशल मीडिया में इनके बारे में देख देख कर थक गए हैं. कोई नई बात नहीं है इसमें. तो करण जौहर जो इस फिल्म के या सॉरी इस वेब सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर है, क्या बताना चाहते हैं? चार एपिसोड की पहला सीज़न है, चार एपिसोड, और दूसरे चार एपिसोड आएंगे जून में दूसरे सीज़न के लिए. तो यह मतलब क्या था, ये कटिंग का? ये कट करो, यहाँ पर डालो थोड़ा और चार बाद में डालो. क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप ऑडियंस को? इसमें कोई अट्रैक्ट भी नहीं है रहे. मैं तो अट्रैक्ट नहीं हुआ. दूसरी बात तो पता है, ये पैसे लाने का ज़रिया है, पैसे निकालने का ज़रिया है डिज्नी हॉटस्टार से. तो हम आपको चार देंगे और अगले बार दूसरे चार देंगे. इमरान हाशमी इसमें है लीडिंग रोल में, उनके साथ एक नई अदाकारा है और नसीरुद्दीन शाह का एक छोटा सा किरदार भी है इसमें. और कहीं राजीव अच्छा एक एक्टर है जो कि एक सुपरस्टार का कैरेक्टर निभा रहा है. अभी तो नयापन क्या रहेगा, बोलेंगे इसके जो प्रोड्यूसर है या फिर नो इसके जो राइटर है डायरेक्टर, हम नयापन यहाँ पर डाले हैं. इसमें नयापन ये है कि इसमें जो साउथ सिनेमा का जो पल्ला भारी पड़ गया है बॉलीवुड के ऊपर, वो हम दिखाएंगे. थोड़ा एक यश के जैसे लुक लाइक जो KGF के हीरो है, उसमें यहाँ पर थोड़ा उसकी छाप दिखाएंगे कि कितने बॉलीवुड वाले उनको चाहते हैं. और यहाँ पर थोड़ा एक सुपरस्टार को लाएंगे जिसकी थोड़ी कैरेक्टराइजेशन हम बताएंगे, थोड़ा शाहरुख खान को मिलाकर, सलमान खान के साथ मिक्सचर कर, अक्षय कुमार का जलवा दिखाकर, आमिर खान का जहन दिखाकर इसमें उसके अंदर डाल देंगे, ताकि सब एक साथ मिल जाए इस एक्टर में, ताकि पब्लिक को अच्छा लगे. खाक अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. ऐसा अगर आप बनाते जाएंगे अपने वेब सीरीज़ जिसमें डीपनेस नहीं है, जिस जिसकी पिछले साल एक आई थी जुबली अमेज़ॉन प्राइम में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला और बहुत ही आलीशान और बहुत ही जानदार वेब सीरीज़ थी सिनेमा के बारे में, जो कि 50s का जो एरा था, 60s का जो एरा था, उस ज़माने की जो बात उसमें जो दिखाई गई थी, बहुत ही खूबसूरती अंदाज में दिखाई गई थी. लेकिन इसमें वो ना ही खूबसूरत अंदाज है, ना ही कोई जलवा है, ना ही कोई ऐसी बात है जो आपके जहन में यादगार रहेंगी. चार एपिसोड, जब चौथा एपिसोड आ जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप बोलते हैं दूसरा सीज़न आने वाला है चार एपिसोड के बाद, ये क्या मतलब हुआ? एनीवेज, इसमें इमरान हाशमी की जो एक्टिंग है वैसी है, कोई नई बात नहीं है. जो नई एक्ट्रेस, उनका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, और जो के सुपरस्टार की भूमिका निभा रहे हैं राजीव, उनकी भी एक्टिंग अच्छी लगी थी मुझे. बस और कोई ऐसी बात नहीं है. कुछ छोटे मोटे जो स्क्रिप्ट लिखने में जो चलन चलता है बॉलीवुड में, सोशल मीडिया जो आती है और सोशल मीडिया में जितने भी क्रिटिक्स आते हैं उनके बारे में, ये थोड़ा ठीक ठाक था. लेकिन वेब सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं है. मैं इसको देता हूँ 2 स्टार्स, शायद से भी कम. आपको अगर आपने देखी है तो आप बताओ, मुझे बताओ, लिख कर बताओ कि कैसे लगी आपको ये वेब सीरीज़ शो टाइम. नाम भी कोई नया नहीं है, नाम में भी नयापन नहीं है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.